टी20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर माहौल गर्म हो चुका है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए तो अब महज मुट्ठी भर का समय बचा है। 16 अक्टूबर से वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है। वर्ल्ड कप में टोटल 12 टीमें हिस्सा ले रही है, यानी सुपर 12 के मुकाबले आपको ग्रुप मुकाबलों में देखने को मिलेंगे। खैर, वर्ल्ड कप की पॉइंट टेबल कैसे काम करेगी, कौन से ग्रुप है, ग्रुप में कौन सी टीमें हैं, भारत के मुकाबले कब और किससे शुरू होने जा रहे हैं, पूरा स्केड्यूल क्या रहेगा, भारतीय टीम का टाइम टेबल क्या रहेगा, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में आपको टी20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर। इनफैक्ट सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए भारत को क्या करना होगा, पूरी पॉइंट टेबल भी हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं, पूरा स्केड्यूल बताने वाले हैं। लेकिन जी हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं, टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि हम आपको बता दें कि 16 अक्टूबर से टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है और 22 अक्टूबर से सुपर 12 के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। घुमा फिरा कर अगर देखा जाए तो यहां पर टी20 वर्ल्ड कप में टोटल सुपर 12 में 12 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसे दो ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अगर ग्रुप ए की बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान जैसी टीमें हिस्सा ले रही हैं। तो वहीं ग्रुप नंबर दो की बात की जाए तो इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बाकी जो अन्य टीम क्वालिफाई करेगी सुपर 12 के लिए। ऐसे में ग्रुप एक की 6 टीमें, ग्रुप बी की भी 6 टीमें, टोटल सुपर 12 में 12 टीमें होगी। खैर, ये तो हम आपको बताएंगे कि पूरा स्केड्यूल भारत के लिए क्या रहेगा, लेकिन सवाल ये भी तो उठता है कि इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले कब, कहां और कितनी बार होंगे, क्या सेमीफाइनल और फाइनल में, सब कुछ बताएंगे आपको पूरा स्केड्यूल यहां से। अब भारतीय टीम को यहां से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए क्या करना होगा, भारतीय टीम को यहां पर अपने ग्रुप मुकाबलों में 5 बाकी टीमों के खिलाफ 5 मुकाबले खेलने हैं, यानी कि सभी टीमों के खिलाफ एक एक मुकाबला होगा और जो टीम इस ग्रुप में पहले और दूसरे पायदान पर खत्म करेगी वो टीमें सेमीफाइनल के लिए जगह बना लेगी। अब जो कि टीम इंडिया को अगर नंबर 1 या 2 में अगर पायदान पर रहना भी है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि 5 में से 4 मुकाबले तो हर हाल में जीतने होंगे। आप एक मुकाबला हार सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इससे ज्यादा हारे तो फिर 2021 की तरह आप बाहर हो सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर अगर आप बात करते हैं पूरे स्केड्यूल के बारे में, तो जैसा हमने कहा 16 अक्टूबर से सीरीज का आगाज होने जा रहा है और 22 अक्टूबर से सुपर 12 के मुकाबले होंगे। लेकिन भारतीय टीम के अगर मुकाबलों की बात की जाए तो फिर भारत का पहला ही मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को खेला जाएगा मेलबर्न के मैदान पर। जी हाँ, और कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी कांटे की टक्कर तो यही रहने वाली है। अगर भारत ने यहाँ पर अगर आप पलड़ा भारी रख लिया तो भारत का सेमीफाइनल में जाना भी तय हो जाएगा, क्योंकि बाकी बचे 4 में से भारत 3 मुकाबले तो हर हाल में जीत जाएगा, क्योंकि 2-3 टीमें ऐसी हैं जिनके ऊपर भारत का पलड़ा पहले से ही भारी दिख रहा है। अब बात करते हैं भारत के दूसरे मुकाबले की, तो 27 अक्टूबर को दूसरा मुकाबला सिडनी के मैदान पर खेला जाएगा। इंडिया और ग्रुप ए की रनर अप रही टीम, यानी कि जो सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करेगी वो टीम इसमें हिस्सा लेने वाली है। 27 के बाद 30 अक्टूबर को खेला जाएगा भारत का तीसरा मुकाबला और एक और महामुकाबला जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला जाएगा। ये मुकाबला 30 अक्टूबर को होगा। यहाँ पर अगर टीम इंडिया और एक जीत हासिल कर ली है तो फिर सेमीफाइनल तो पक्की मान के चलिए, कहीं न कहीं टीम इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ा महामुकाबला रहेगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आप बात करते हैं तो 2 नवंबर यानी 2 नवंबर को यहाँ एडिलेड के मैदान पर खेला जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ भारत का एक बहुत बड़ा या यूं कहें तो महामुकाबला, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो तख्ता पलट के लिए जानी जाती है। बांग्लादेश ऐसी टीम है जो दूसरी टीमों को बाहर करने के लिए जानी जाती है, खुद तो क्वालिफाई होती नहीं लेकिन दूसरों की राह में रोड़ा बनने का टीम ये करती है। तो कुल मिलाकर ये भी भारत के लिए बड़ा मुकाबला होगा 2 नवंबर को, और 6 नवंबर को खेला जाएगा भारत का ग्रुप मुकाबलों के अंदर आखिरी मुकाबला, जिसे मेलबर्न के मैदान में होगा और कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है वो क्वालिफाई करने वाली टीम के साथ में मैच खेलती हुई नजर आएंगी। टोटल 5 मुकाबले हैं। अब भारत के पाकिस्तान के खिलाफ कितने मुकाबले होंगे इस पर भी चर्चा कर लें, तो अगर जो भारत पहले पायदान या दूसरे पायदान पर खत्म करती है और पाकिस्तान भी इन दोनों में से कोई एक मुकाबला खत्म करती है, यानी पहले या दूसरे पायदान पर, तो ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में जाएंगी। अब यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन होगा ग्रुप नंबर ए के साथ में, उनकी टॉप 2 टीमों का मुकाबला एक दूसरे के क्रॉस से बनेगा, यानी ग्रुप ए की पहले पायदान वाली टीम ग्रुप बी की दूसरे पायदान वाली टीम से भिड़ेंगी, तो वही ग्रुप बी की पहले पायदान वाली टीम उस टीम की दूसरे पायदान से भिड़ेगी, तो इस तरह से क्रॉस कनेक्शन रहेगा।
मान के चलिए कि पाकिस्तान जो है ग्रुप ए की टीम के साथ भिड़ रही है और इंडिया भी भिड़ रही है, ये दोनों टीमें सेमीफाइनल में जीत जाती हैं तो फिर फाइनल में तो दोनों टीमें पहुंच सकती हैं, यानी इंडिया भी और पाकिस्तान भी। तो घुमा फिरा कर पाकिस्तान और भारत के दो मुकाबले होने के चांसेस बेहद ही कम नजर आते हैं, मगर हो सकते हैं। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है? बाकी ये है पूरा T20 वर्ल्ड कप 2022 का स्केड्यूल। रोहित कप्तान है, KL राहुल इसके लिए उप कप्तान बनाए गए हैं और भारतीय टीम के कितने चांसेस हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताएं।